Kamar Choba. Means? Hello. Kamar Choba. Means hello. Hello. In hello. Russia. In Russia, na? No, in Georgia. In Georgia? Bol rahi hai yaar. ये जो दिख रहा है गाइड ने बोला कि ये इसके अंदर ऐसे ऐसे जड़ी बूटी है जो कि अस्थमा की बीमारी से बोलते ना उसके अस्थमा की बीमारी के लिए सही है। तो ये थी मेरे बैक साइड तक के। तो हेलो, अब जाने के लिए निकल रहा हूँ के उसकी तरफ। यहाँ पे देख रहा हूँ पीछे ये खड़ी है मासुकता, यानी शेयरिंग टैक्सी है, उस तरह की टैक्सी खड़ी है। यहाँ पे लोगों को पूछता हूँ मैं कि लोग जाते हैं कि नहीं के उस पास। कभी के उस पास जा रहे होगे तो मेरे बहुत से पैसे बच जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 लारी लगेगा। और ऐसे में कभी बोल्ट में जाओगे तो बोल्ट के अंदर 16-20 लारी दिखा रहा है, तो प्रॉब्लम। अभी चेक करता हूँ रोड क्रॉस करते हुए, तो पेडिस्टेरियन ही नहीं है, क्रॉस ऐसे ही करना पड़ेगा लगता है। बस भी जाती है क्या? बस जाती है नहीं मालूम, नहीं चेक कर लेता हूँ पहले। भाई साहब सही है, जो अंकल जी ने बताया ना वो है यहाँ से 18 किलोमीटर और वहाँ तक जाएगी मस्तुकता, ठीक है। और वो मस्त ये खड़ी है येलो कलर की, इसको मैं पूछता हूँ यार क्या नाम था इसका, तस्कल तुबो। सर तस्कल तुबो, हाउ मच? ओके, दो ला रही है यार। तो 2 लारी के अंदर एक क्या नाम था इसका यार, ताकुस तो वो कुछ कुछ करके है, चेक करता हूँ। हाँ कल तो वो इसके अंदर आया, जो येलो कलर की दिख रही है उसके अंदर आया, येलो वाली के अंदर दो लारी लिया है सिर्फ, बस सही है ना, कल तो वो। अब मुझे यहाँ से चेक करना पड़ेगा केओ के लिए कौन सी गाड़ी आती है, पहले मैं पूछताछ करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली कोई बताएगा नहीं, बेटर पूछ लेता हूँ। थोड़ा अच्छा लग रहा है यार टाउन, ये टाउन है, लोग विलेज नहीं बोलते इसको, टाउन बोलते हैं, और विलेज तो बहुत अलग हो जाता है, ये टाउन ही है। सही है, वही अंकल जी जिसने हमें लाया था उनसे पूछा, उन्होंने बताया क्या यहाँ से आगे जाना है और लेफ्ट लेना है, वहाँ साइड से होगा, अब देखते हैं, और ऐसा कुछ करके बता रहे थे 4-2-4-2। भाई साहब तो ये रहा भी एक ही सीक्वेंस में, मैं पूरा समझा था आपको, मैं था कुतेसी सिटी सेंटर के पास और वहाँ से मैंने मस्तुता पकड़ी है और आया हूँ तुल, क्या नाम था यार इसका, इतना हार्ड नेम है, नाम ही नहीं पता चलता है कुछ, तुल तो वो आया हूँ 2 लारी के अंदर, ठीक है। मस्तुता बोले तो लोगों की शेयरिंग टैक्सी होती है, उसके अंदर आया हूँ। अब तुल तो वो से मुझे बोला हुआ है कि इधर साइड जाओ, मैंने लेफ्ट में वीडियो के अंदर बताया, वहाँ गया हूँ और यहाँ पे मुझे 42 ऐसा कुछ करके बोल रहा था वो, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं क्या था, मगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 42 करके गाड़ी खड़ी हुई एकदम फ्रंट में यही, और उसके ऊपर लिखा हुआ प्रेमथ के ओ। ओके तो ये जाएगी मेरे हिसाब से, और कितना लेगा चार्ज पता नहीं है, वही भी मेरे हिसाब से 2 या 3 दिरहम ही लेगा। अच्छा है ना यार सस्ते में, 5 दिरहम में आ रहा हूँ, 5 दिरहम में जा रहा हूँ, समझ 5 दिरहम 10 दिरहम के अंदर तो खत्म हो जाए, 10 दिरहम नहीं 10 लारी, सॉरी लारी में खत्म हो जा रहा हूँ। मैं उधर वेट कर रहा था और भाई साहब यहाँ खड़े दूसरे वाले, ये भी जाती है, ये भी जाएगी प्रोमोथस के। ओके बैठेगी अंदर, और कितना चार्जेस होगी उसके, कभी फ्रंट पे बैठने मिल गया तो अच्छा है ना यार, पूछ लेते क्या बोल रहा है क्या मालूम। अंकल जी ने तो क्या मालूम क्या बोला, समझ में नहीं आया मेरे को, मगर कुछ बता रहे थे इस तरह के ही बता रहे थे कि हाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं, अभी क्या करेंगे, हम लोग को कुछ परवरता नहीं है, यही सब मेरे को लग रहा था, क्योंकि अपने इधर भी यही रोना चालू रहता सबका, और वैसे भी उनकी बात भी सही है, 3 लारी बहुत कम है यार, फिर भी 3 लारी हम लोगों के लिए 3 लारी है भाई, तो निकल गए वैसे तो।
छोटी छोटी दुकान लगी पड़ी है, यहाँ बताना पड़ेगा बस। हाउ मच? 3 5। अरे माँ की आग, तेरा भाव बढ़ गया भाई, अकेला लाया इसके लिए 5 ले लिया। हाँ केओ का टिकट तो ले लिया, केओ का टिकट टोटल मिला है मुझे 40.15। ओके, यानी किस हिसाब से इंक्लूडिंग बोर्ड भी है उसके अंदर, यानी 380 मीटर्स तक मुझे वॉकिंग करना है, उसके बाद वहाँ से बोट रहेगी 100 मीटर मुझे लेके जाएगी और लाएगी घुमा के पूरा। तो एक बार बोट का केव के अंदर बोट एक्सपीरियंस ले लेते ना, इतने दूर आए तो। और टाइमिंग दिया हुआ यार इन लोगों ने मुझे, दिया हुआ है 15। बहुत रश है यार, क्या यार सुकून ही नहीं अभी, इतना रश है। पहले पब्लिक जाए उसके बाद जाता हूँ, लास्ट में जाएंगे सुकून से, जाएंगे थोड़ा लास्ट में। ये गेट है, यहाँ ही से सबकी एंट्री हो रही है। अरे रश लगा हुआ है, स्कैन करना है। कौन सा स्कैन करना है? शो मी टिकट। हाँ, दिस इज बोर्ड। ओके, थैंक यू सो मच मैम। यानी कि जो यहाँ के प्रोफेशनल गाइडर है, एक एक ग्रुप बना के जाते होंगे मेरे हिसाब से लोग, क्योंकि अभी गाइडलाइंस का टाइम, लोग ने गाइडलाइन किया, कुछ गाइडलाइंस तो किया मगर मैं तो ऊपर था यार, तो आइडिया भी नहीं क्या बोला। क्यों के अंदर यार अजीब है, अंदर लगाया हुआ है, लोग बोले सर 2011 के अंदर इसको रिटर्न ओपनिंग किया हुआ है। भाई साहब मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस केव के अंदर। भाई अलग ही टाइप के सैंड्स है यार, ये सैंड्स है मगर एकदम अलग टाइप की, ऐसा लग रहा है ना जैसा फाइबर नहीं होता अपने इधर, फाइबर जैसा लग रहा है मुझे ये। अंदर का टेम्परेचर कम से कम बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से कम 6-7 डिग्री तो ठंडा है ही, या उससे ज़्यादा बोलो, मगर ठंडा है। ये जो दिख रहा है, गाइड ने बोला कि ये इसके अंदर ऐसे ऐसे जड़ी बूटी है जो कि अस्थमा की बीमारी से, बोलते ना इसके अस्थमा की बीमारी के लिए सही है। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है। अब जो है बोल दिया आपको, है क्या चीज़ें, एक रेत ही तो दिख रही है मेरे को। हाँ यार सफ़ेद सफ़ेद कुछ है, लाओ क्या थोड़ा सा बोलो, किसको अस्थमा की बीमारी है तो लेके आता हूँ, छोड़ो भाई साहब। बोट के लिए अभी जाके ऊपर से, यहीं से ऊपर से अभी लोग ने अलग अलग किया हुआ है, आधे लोग तो चले गए रिटर्न। और दो रास्ते थे, एक साइड अलग साइड जाने का था, एक जो रास्ता हम आए वो, और एक चीज़ आ रहा है जो बोट पास रास्ता वो, तो चलते हैं यहीं पे। इस तरह की बोट है, आधे लोग इसमें जाएंगे आधे लोग।
एकदम लास्ट वाली सीट मिली है, ड्राइवर है हमारा उनके साथ, क्योंकि लास्ट में एक्चुअल सीन ऐसा हुआ ना कि मैं अकेला ही बच गया और बाकी पूरी सीट खत्म। तो ये थी मेरे बैक साइड पे खेल, इतना अंधेरा बहुत ठंडा था यार। हमारे अंकल ने कॉल किया, कॉल करके बुला लिया मासूक का, ये पता नहीं है कितना लेगा और वहाँ से कितना लेगा, वहाँ से तो दो दिरहम ही है, ज़्यादा नहीं, मगर यहाँ से थोड़ा पूछना पड़ेगा कितना होता है। 42 क्लाथ तो वो ओके। हाय वाह, बैठ गए, वही चाचा दिख रहे यार, है ये तो वही चाचा। Я дарю на дорогу. Садитесь. Да, пожалуйста. ये तो हमारे पुराने वाले चाचा निकले। चाचा देख रहे, चाचा बोला था। अब यहाँ से भी उतना ही चार्जेस होगा जितना पहले हुआ था। बस इतना मैं वीडियो ख़त्म करते हैं, थक चुका हूँ आज के लिए, रेस्ट। और हमारे चाचा फिर बोल रहे हैं हैवी ड्राइवर, रशियन लड़की मिल गई थी भाई, आईसी वाली नहीं, ये ना मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था तो उसमें मिल गई थी। अब सीन इस तरह का हो गया, क्या वो बताने लगी कि वो इन्हें इंडियन ट्रेडिशनल के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, ये सब चीज़ बता रही थी। फिर उसने कार्ड्स निकाला, कार्ड्स निकाल के बोला आपकी विश क्या है, मैंने बोला कि मेरा ड्रीम ये है, तो उसने बोला ये हाँ या ना तो नहीं बताएगा मगर आपको क्या करना पड़ेगा वो बताएगा। फिर वो प्ले किया, फिर उसके बाद थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे जाने के बाद फिर उसने सब बताया कि वो पोएट्री आज जो आती है ना पोएट्री, वो लिखती है। और उसने इंडियन फिल्म के ऊपर ही एक इंडियन फिल्म का एक आर्टिकल कुछ बोला या कुछ नेम बोला उसने, उसके ऊपर उसने वो किया था, क्या बोलते हैं, पोएट्री का नाम रखा हुआ है सही रवि, पता नहीं मुझे तो आइडिया नहीं, आप लोगों को पता तो कमेंट में बताना। सही रवि करके एक मूवी है, उस बेस के ऊपर उसने उसकी पोइट्री लिखी हुई है और उसका टाइटल भी वही दिया है सही रवि। अच्छी बंदी थी यार, सोलो ट्रैवलर है, यहाँ 6 मंथ से थी, बता रही थी, एक वीडियो भी शूट किया हूँ, देख लेना आप।